नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के कस्बा निगदू में एक 15-16 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। हमारे साथ पुलिस के जो ASI हैं, जांच अधिकारी हैं इस मामले के, राजन जी, उनसे जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि सर पूरा मामला क्या है। उस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सर ये मामला क्या है, दो आरोपियों क्या क्या धाराएँ लगी हैं? उन दो आरोपियों के खिलाफ 352, 511, 511, 8 पोस्को एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जा चुका है, जो जिला जेल करनाल में बंद है अभी फिलहाल। कहाँ के रहने? हाँ जी, हाँ जी, वो निगदू के ही हैं। अनिल एक का नाम, दूसरे का नाम राहुल है। उन अभी उस संबंध में एक मुकदमा दर्ज और हुआ है, जो कल लड़की सुसाइड कर गई है उस संबंध में अभी जांच जारी है। अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये दो आरोपी हैं दोनों, तो ये क्या काम करते हैं? कोई ये एक तो उनमें से ट्रक ड्राइवर है, एक मेहनत मजदूरी का काम करता है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? आज लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, लड़की के उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई बनी है। लड़की भी नाबालिग बताई जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, लड़के बालिग हैं। हाँ जी, तो ऐसा कदम क्यों उठाया गया? कहीं जब मामला दर्ज हो गया, दोनों आरोपी जेल में हो गए हैं, उसके बाद भी ऐसा कदम आया? ये कोई और मामला तो नहीं? नहीं नहीं, अभी तो जांच जारी है। जो कल स्टेटमेंट उनके परिवार वालों ने दी है उसके बिना पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। जो तथ्य इस पोस्टमार्टम के बाद जो सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज पोस्टमार्टम होगा? हाँ, आज पोस्टमार्टम चल रहा है, और जाएगा भी। तो ये थे राजन, जो कि निगदू के जांच अधिकारी हैं। उनका कहना है कि दो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनको जेल भेज दिया गया। जो उनके ऊपर आरोप था कि जो वो नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करते थे, और छेड़खानी के दौरान बाद में कहीं ना कहीं लड़की डिप्रेशन में आई, या डिप्रेशन में आने के बाद उसने आत्महत्या की है। फिलहाल देखना यह है कि और कोई क्या कारण हो सकते हैं, लड़की के साथ कोई और भी किसी के साथ कोई छेड़खानी की है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं लड़की का आज पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। करनाल से KC आर्या, पंजाब केसरी टीवी।